कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा लगातार हिट होती जा रही है और राहुल गांधी देश में चारों तरफ चर्चा का विषय बने हुए हैं। राहुल गांधी अपनी पार्टी की पकड़ मजबूत बनाने और देश में एकजुटता का रंग भरने के लक्ष्य से आगे बढ़े हैं और सभी यात्री हाथों में तिरंगा लिए पैदल यात्रा कर रहे हैं। यात्रा के दौरान अब राहुल गांधी को उनकी दादी इंदिरा गांधी का साथ मिलता नजर आया है। एक तस्वीर जिसमें एक छोटी सी बच्ची इंदिरा गांधी के भेष में राहुल गांधी का हाथ थामे चलती नजर आ रही है और राहुल गांधी भी अपनी दादी का हाथ पकड़े आगे बढ़ रहे हैं। इस तस्वीर में दादी पोता एक साथ पैदल यात्रा में दिखाई दिए हैं और कांग्रेसी अब इस बच्ची को छोटी इंदिरा के नाम से पुकार रहे हैं। राहुल गांधी की इस यात्रा में बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं सभी शामिल हैं और इस वक्त यात्रा केरल के विभिन्न हिस्सों से होकर गुजर रही है। इस बीच राहुल गांधी कभी महिलाओं के साथ नाचते तो कभी बच्चों के साथ सेल्फी लेते नजर आए हैं, लेकिन राहुल गांधी के इन अलग अलग अंदाजों को देख बीजेपी तंज कस रही है। कांग्रेस का कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा मन की बात नहीं बल्कि जनता के लिए चिंता है। यात्रा में भाग लेने वालों का वर्गीकरण भारत यात्री, अतिथि यात्री और प्रदेश यात्री के तौर पर किया गया है। फिलहाल राहुल गांधी की इस ऐतिहासिक यात्रा को लेकर आपके मन में क्या विचार है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। न्यूज डेस्क से निधि काले की रिपोर्ट।